दिस इज़ द बिग मैसिव पूल, मतलब हमारे लिए तो मैसिव ही है। इसमें कल हम लोगों ने बहुत ज़्यादा मज़े किए। लेकिन ऐसे कोई प्लेस पे आके आपके फ्रेंड्स के साथ स्टे करना ना वन नाइट, उनके साथ मस्ती करना, एक नेक्स्ट लेवल वाली मस्ती होती है। हे गुड मॉर्निंग गाइस, टुडे 7th of November सैटरडे, बज रहे हैं सुबह के 8। अभी जस्ट ऐसे ही टेरिस पे राउंड मारने आया था। आज सैटरडे ना, तो मेरा आज वीक ऑफ है, मेरा अल्टरनेट सैटरडेज ऑफ होता है, नया ऑफिस अभी चालू हुआ है तो चल रहा है अच्छा खासा है। कुछ टास्क दिए करने के लिए कर रहा हूँ, बस हमारे ऊपर होता है कि हम कितनी मेहनत करते हैं उसको पॉजिटिवली लेते हैं या नेगेटिवली लेते हैं। आप सबके साथ क्या चल रहा है आजकल लाइफ में, कमेंट करके जरूर बताना। वैसे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। कुछ दिनों पहले जब मैं विरार घूमने गया था तो बीच वाला व्लॉग डाला था, उसमें मैंने कहा था कि मैं कहीं तो घूमने जाने वाला हूँ। फाइनली आज वो प्लान एग्जीक्यूट होने जा रहा है। मैं जा रहा हूँ करजत, वहाँ पर एक फार्म हाउस बुक किया है, तो बहुत ही अच्छी प्लेस है यार, जाएंगे देखेंगे मज़ा करेंगे। मेरा एक्सप्रेस ट्रेन का टाइमिंग है कुछ 2 बजे का, तो यहाँ से हम लोग कुछ 12:30 तक निकलने वाले हैं। बस में थाने स्टेशन, थाने स्टेशन से ट्रेन में करजत, तो अब सीधा मुलाकात होगी आप लोग से करजत में। सफर कैसा है ये सफर, मंजिलों की ना है कोई खबर। सफर कैसा है ये सफर। गाइस अभी बज रहे हैं 5, अभी जस्ट करजत स्टेशन पे उतरे, यहाँ पर हमारी गाड़ी आ गई। यहाँ से कुछ 10 किलोमीटर का रास्ता है हमारा, जो विला बोल सकते हैं या रिसॉर्ट बोल सकते हैं। रास्तों से मेरी गहरी यारी हो। फाइनली रीच, दिस इज अमर फार्म्स करजत में हम लोग जहाँ पर अभी आए, और लोकेशन अच्छा खासा है यार, पूरा एकदम गाँव वाली फीलिंग है, बहुत ही ऐसा ओपन प्लेस है। सुबह सुबह मस्त ठंडी लगी, यहाँ पर पूल भी, और पूल भी एक नंबर है, ठंडी में बहुत मजा आएगा, और पीछे एक नंबर सनसेट हो रहा है। सो दिस इज द लोकेशन, काफी अच्छा है और वहां पर सनसेट हो रहा है। गाइस बज रहे हैं अभी 7, आके थोड़ा चाय नाश्ता किया और फिर चेंज किया, और अभी सब के सब सीधा पूल में कूदने वाले हैं। पीछे वहां पर स्पीकर वीकर लगा दिया है, लाइट्स चालू की है। ठंडी अभी इतनी है नहीं, पर ठंडी होगी धीरे धीरे यार, क्योंकि बहुत ही अच्छा वेदर है यहाँ पर और मस्त ठंडी लगने वाली है। और अभी सब पूल में जाएंगे, तो मैं अभी कुछ भी शूट नहीं कर रहा हूँ, एंजॉय करूँगा। गाइस बज रहे हैं अभी 9:40, पूल में ही मस्ती धमाल कर रहे थे, गाना वाना बजा के नाच रहे थे। बहुत दिनों बाद थोड़ा ऐसे नाचने मिला है और इन लोगों के साथ मस्ती करने मिली है। तो मैंने कुछ भी व्लॉग नहीं किया, मस्त एकदम इंजॉय किया शांति से। फिर अभी चेंज वेंज करके जस्ट चाय पिया है, अब बाहर बॉनफायर लगाया है, थोड़ा टाइम पास करेंगे, उसके बाद खाना खाने का प्लान है 10 बजे तक का। आज क्या करें यार, थोड़ा सा ट्रैवल करते हैं तो थोड़ा प्लान आगे पीछे हो जाता है, शेड्यूल बिगड़ जाता है, बट इट्स ऑल ओके। कभी ना कभी ऐसा टाइम मिलता है आपको लाइफ में ना, तो ये मौका ले लो, क्योंकि वापस ये मौका नहीं आएगा। आप 4 साल बाद या 8 साल बाद आगे फ्यूचर में जाके देखोगे ना कि मैंने इतना पैसा कमाया, इतना एक्स्ट्रा काम किया, वो आप याद नहीं रखोगे, लेकिन आपने कितनी मेमोरीज बनाए अपने दोस्तों के साथ और कितनी मजे किए अपनी ज़िंदगी में, वो आप ज़रूर याद रखोगे, और उसको याद करके आपके चेहरे पे खुशी ज़रूर आएगी। अभी बुला रहे हैं तो मैं भी जाता हूँ बॉनफायर के लिए, फिर आप लोग से मिलता हूँ। यहाँ पर अभी हम लोग ने बॉनफायर लगाया है, सारे ऐसे ही बैठे हैं मस्ती कर रहे हैं। ये हमारे सचिन भाई, इसका इंस्टाग्राम हैंडल मैं यहाँ पर दे दूंगा। ये बार टेंडिंग का वीडियो बनाता है, कॉकटेल वॉकटेल बनाता है, तो आप इसको फॉलो कर सकते हो। और वो रोहित भाई, इसको तो आप जानती हो, हमेशा आपको वीडियो में दिखा देखने मिला ही होगा, लोग बॉल वॉल खेल रहे हैं। ठंडी जितनी एक्सपेक्टेड थी उतनी है नहीं, 26 डिग्री है, बट धीरे धीरे थोड़ा कम हो रहा है। बट मुझे को एक्सपेक्टेड था कि आराम से 18 डिग्री तक होना चाहिए, क्योंकि ये साइड होता है। लास्ट टाइम भी जब मैं गया था ना बैचलर्स पार्टी के लिए खोपोली, तो बहुत ज़्यादा ठंड थी, और रात को पूल में गए थे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। वहाँ पर वो कैफेटेरिया जहाँ पर डाइनिंग है, मैं आपको सुबह अच्छे से बताऊँगा। एंड दिस आर द 2 रूम्स, हम लोग 10 लोग हैं टोटल, तो ये रूम्स कुछ ऐसे हैं जिसके अंदर 3-3 बेड है दोनों के अंदर। चलो मैं भी बॉनफायर एंजॉय करता हूँ, इन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ, फिर आप लोग से मिलता हूँ। गाइज अभी बज रहे हैं 11, अभी थोड़ी देर पहले खाना खाया, अभी जस्ट ऐसे ही वॉक कर रहा हूँ। सब लोग ऐसे ही थोड़ा थोड़ा इधर उधर टाइम पास कर रहे, वॉक कर रहे, कोई रूम में बैठा है, और कुछ लोगों ने उधर गाना लगा के रखा है जहाँ पर हमने बॉनफायर किया था। भाई वापस से बॉनफायर स्टार्ट करेंगे वो लोग, फिर अभी यार क्या करें, इधर आए हैं तो सोना तो है नहीं, तो लेट ही सोएंगे, मतलब बच जाएगा अप्रॉक्स 3-4, तब तक जलसा ही करेंगे। तो अभी आप लोग से कल सुबह ही मिलता हूँ, अच्छे से आपको पूरा अमर फार्म बताता हूँ, क्योंकि अभी तो अंधेरा है तो कोई मतलब नहीं है, सुबह धूप आ जाएगी तो अच्छे सनलाइट में आपको पूरा एक्सप्लोर कराता हूँ। तो चलो मेरी तरफ से गुड नाइट, अब सीधा कल सुबह मिलते हैं। ये गुड मॉर्निंग गाइस, टुडे इज़ द नेक्स्ट डे, बज रहे हैं सुबह के 7। एक्चुअली मैंने 7 बजे का अलार्म लगाया था, मैं थोड़ा जल्दी सो गया था 2-2.5 बजे तक, बाकी लोग थोड़ा लेट सोए थे, तो मैं तो उठ गया,
एक्चुअली मैं बाहर आया था यार, इन व्हाट अ व्यू यार, क्योंकि कल हम लोग आए थे ना तभी थोड़ा धूप बहुत था, लेकिन अभी सुबह सुबह इतनी अच्छी ठंडी हवा आ रही है। मैंने अभी ये अपना जैकेट भी पहन लिया बिकॉज थोड़ी सी हल्की हल्की ठंडी लग रही है, और वहाँ पर सनराइज हो रहा था यार। अभी 5 मिनट पहले मैं आया था तभी सन पहाड़ के नीचे था और अभी ऊपर आ गया जैसे ही मैं ट्राइपॉड लेने गया उतने में। चलो आप लोग को यहाँ का एक थोड़ा राउंड अप करा देता हूँ, व्यू करा देता हूँ। दिस इज द एंट्री, इसके बाद यहाँ पर से पूरा सीधा सीधा ऐसे बना हुआ है चलने के लिए। यहाँ पर आसपास कुछ भी नहीं है, पूरा फॉरेस्ट टाइप है। यहाँ पर लेफ्ट साइड में वो हमारा जो है रहने का जो रूम्स है वहाँ पर है, यहाँ पर सूर्यदेव, वहाँ पर शायद सेकंड कोई एक फार्म हाउस है ऐसा कुछ है। इसके बाद यहाँ से ऐसे जाएंगे, छोटा सा ये, ज़्यादा बड़ा नहीं है लेकिन अच्छा है। यहाँ पर डाइनिंग का प्लेस है जहाँ पर खा सकते हैं, आपका लंच डिनर सब यहाँ पर होगा। और यहाँ से जब ये बाजू आएंगे, दिस इज़ द बिग मैसिव पूल, मतलब हमारे लिए तो मैसिव ही है। इसमें कल हम लोगों ने बहुत ज़्यादा मज़े किए और आज भी करेंगे, अभी सब उठेंगे उसके बाद, 4 बजे तक हमारे पास टाइम है। जो डाइनिंग हॉल है उसके राइट में पूल है और लेफ्ट में यहाँ पर प्लेस है जहाँ पर ये हमारा रूम है, आपको अच्छे से बता दो। बट अभी सब सोए हैं, ये ऐसे लकड़े के लॉग्स बनाए बैठने के लिए और यहाँ पर हम लोगों ने कल बॉनफायर किया, तो काफ़ी अच्छी और डिसेंट प्लेस है और हमारे बजट में भी फिट हो गई। सो गाइस ओवरऑल इट इज़ अ नाइस एंड डिसेंट प्लेस। हमारा कब से प्लान बना था कहीं तो जाना है, लेकिन बिकॉज ऑफ कोरोना हमको कोई ऐसी जगह पे नहीं जाना था जहाँ पर दूसरे भी लोग हो। हमको इसके लिए ऐसा कोई विला चाहिए था जिधर सिर्फ हम लोग हो पूल में और भी कोई लोग नहीं हो, ताकि कोरोना का रिस्क थोड़ा कम हो जाए। सो आफ्टर सम सर्च, हमारा एक फ्रेंड है विपिन करकेरा, उसने सर्च आउट किया ये जगह पे एंड ही रीच्ड आउट एंड फिर हमारे ये बजट में बैठ गया। यहाँ का चार्जेस हमको जो पड़ा है 1600 पर पर्सन विद पूल रहना एंड विद फूड का है, तो इट इज़ डिसेंट वन नाइट के लिए। 1600 इज नॉट बिग अमाउंट। अभी सब लोग सोए हुए तो मेरे को लगता तो नहीं कि लोग 8-9 बजे के पहले उठने वाले, थोड़ा सा जल्दी उठ जाता तो सनराइज मिलता था अच्छा खासा, बट इट्स ऑल ओके। हवा बहुत ज़्यादा मस्त चल रही है लेकिन अभी सन ऊपर आ चुका है तो ठंडी धीरे धीरे अभी कम हो जाएगी, टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। रात को अराउंड 2-3 बजे तक है ना 25-23 डिग्री तक चला गया था, तो अच्छी खासी ठंडी लग रही थी, बट बॉर्न फायर था तो मज़ा आ गया। लेकिन ऐसे कोई प्लेस पे आके आपके फ्रेंड्स के साथ स्टे करना ना वन नाइट, उनके साथ मस्ती करना, एक नेक्स्ट लेवल वाली मस्ती होती है। वो मैं पूरा व्लॉग में नहीं दिखा सकता हूँ, लेकिन नेक्स्ट लेवल वाली मस्ती होती है। गाइस ऐसी कोई प्लेस पे आते हो तो अपना पूरा टेंशन साइड में रख के बस इंजॉय करो यार, बचपना रखो, बचपना कभी जाना नहीं चाहिए, हमेशा कहता हूँ। लेकिन एट टाइम्स यहाँ पर मैच्योर रहना, मैच्योर बनो, लेकिन ऐसी जगह पे आके फुल मस्ती करो नेक्स्ट लेवल वाली। और ऐसे लाइफ में छोटे छोटे ब्रेक्स लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है, अपने बॉडी और अपने माइंड को रेस्ट देने के लिए। हम डेली लाइफ में जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं, काम करते हैं, जो भी करते हैं, लेकिन शेड्यूल बन जाता है, रोज़ रोज़ वही होता है। तो ऐसे कोई प्लेस पे आके थोड़ा चिल आउट करना, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। कितनी शांति है यहाँ पर, मतलब सामने माउंटेन्स का व्यू आ रहा है, यहाँ पर सनराइज़ का व्यू आ रहा है, पीछे पूल है, और क्या चाहिए, इतना अच्छा व्यू। शांति से बैठ के आधा घंटा भी बैठे रहो शांति से, हवा मस्त चल रही है, ठंडी ठंडी हवा है। अभी सब उठेंगे, बाद में ब्रेकफास्ट करूँगा। दिसंबर का मेरा एक प्लान है, ट्रैकिंग पे जाना है मेरे को, देखते हैं जा पाता हो कि नहीं, सब लोग रेडी होते हैं कि नहीं। मेरे घर के नियर बाई, ये ज़्यादा दूर नहीं है, विरार में, तो होप सो दैट वुड बी पॉसिबल। और बहुत मज़ा आएगा क्योंकि ये साल मैंने ट्रैकिंग नहीं की, आप लोगों को बताया था मैंने व्लॉग में, लेकिन मेरे को जाना है यार कैसे भी करके, ये साल में एक बार तो जाना है। होप सो वो पॉसिबल हो तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा और उसका व्लॉग भी जल्दी आएगा अगर मैं जाऊँगा तो। इंस्टाग्राम पे सारा अपडेट दे देता हूँ, तो इंस्टाग्राम पे नहीं फॉलो करते हो तो यहाँ पर आईडी दिखेगी, जाके फॉलो कर दो। अभी सब लोग उठे नहीं है, 10 बजे तक आई थिंक सो ब्रेकफास्ट होगा, तो मैं भी ब्रश वश कर लेता हूँ, फ्रेश होता हूँ, फिर आप लोग से मिलता हूँ। गाइज अभी बज रहे हैं 11, 10 बजे नाश्ता वाश्ता किया था, फिर ऐसे ही बैठे थे उधर घास में टाइम पास कर रहे थे। अभी पूल टाइम, सब लोग पूल में कूद चुके हैं, मैं भी जा रहा हूँ अभी। गाइज अभी बज रहे हैं 4:30 को हम लोग पूल से निकल गए थे, फिर नहा के चेंज किया, फ्रेश हुए, खाना वाना खाया एंड अभी जस्ट 4 बज रहे हैं, ऐसे टाइम पास कर रहे हैं, यहाँ वहाँ घूम रहे हैं। 5 बजे का चेकआउट है,
तो थोड़ा चाय नाश्ता करेंगे बाद में और फिर निकलेंगे। जैसे कल आए थे वैसे ही वापस जाना है, करजत से ट्रेन में थाने और थाने से फिर सीधा बस पकड़ के घर। जैसे कि मैंने बताया इसका नाम है अमर फार्म्स, जहाँ पर मैं अभी हूँ करजत में। तो इट इज़ अ स्मॉल फार्म हाउस टाइप, यहाँ पर काफ़ी नारियल के पेड़ अच्छे अच्छे और यहाँ पर जो पीछे दिख रहे हैं ना ये सारे पेरू के पेड़ है। तो उन जो ओनर है उन्होंने हमको दो दिन यहाँ के पेरू भी निकाल के दिए काट के, और क्या टेस्ट था यार बॉस। ये देखो कितने अच्छे अच्छे और बड़े बड़े पेरू है, कुछ 10-12 पेरू के पेड़ है यहाँ पर, और फिर ऐसे नारियल के पेड़ तो बहुत सारे हैं, और वहाँ पर नींबू के पेड़ भी है जिसमें ना देसी नींबू इतने बड़े बड़े हैं। ये नींबू का पेड़ है, ये देखो कितने बड़े बड़े देसी नींबू है। और बाकी व्यू यहाँ से बहुत अच्छा मिलता है सामने माउंटेन्स का, जो आप लोग देख चुके हो। सामने पूल भी अच्छा है, यहाँ पर कैफेटेरिया भी अच्छा है और फूड भी। सो ओवरऑल बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा यहाँ पर आने का, कोई भी ऐसा प्रॉब्लम जैसा नहीं लगा। दे आर वेरी हेल्पफुल, अगर आपको कोई भी सामान चाहिए तो दे कैन गिव यू। जो 1600 हमने पे किया फुल वसूल था, बिकॉज फूड वॉज ग्रेट, पूरा होम जैसा फूड आपको मिलेगा यहाँ पर, कोई इशू नहीं है। तो आपको अगर आना है यहाँ पर तो मैं नीचे एड्रेस दे दूंगा, आप विजिट करना। गाइस बज रहे भी 5, चाय नाश्ता हो गया, अभी निकल ही रहे हैं, गाड़ी आ चुकी है, एक ग्रुप का फोटोज ले रहे थे, बस अभी निकल रहे हैं। निकल के यहाँ से जाएंगे करजत स्टेशन, करजत स्टेशन से 8 बजे की ट्रेन है जो आपको मैंने बताया, फिर वहाँ से थाने और थाने से सीधा बस एंड देन घर पे। पहुँचते पहुँचते अप्रोक्स 11 बज जाएंगे। गाइज अभी बज रहे हैं 6, अभी 10 मिनट हुआ है करजत स्टेशन पे आए हैं, और यहाँ पर पूरा खाली है स्टेशन, अभी आके बैठे हैं क्योंकि हमारी 8 बजे की ट्रेन है। तो कुछ भी नहीं, बस बैठ के हमें टाइम पास करना है 8 बजे तक। लोकल ट्रेन्स है बट हम लोकल ट्रेन्स में ट्रैवल नहीं कर सकते, अभी तक चालू नहीं हुआ। हम एक्सप्रेस ट्रेन का टिकट निकाला है, उसमें हम जाएंगे। तो गाइज आज का शॉर्ट एंड स्वीट व्लॉग यहीं तक रखते हैं, छोटी सी ट्रिप थी लेकिन बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। अभी भी इनके साथ है, टाइम स्पेंड करूंगा, टाइम पास करूंगा, बातें करेंगे, मस्ती करेंगे। तो अब सीधा मैं घर जाऊंगा और फिर सो ही जाऊंगा। अगर ये व्लॉग अच्छा लगा तो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, पुराने हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलना। विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन स्टे फिट स्टे सेफ।